जी उड़ीसा से राधे 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 गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम महाराज जी सभी कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है तो जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसमें भी कहीं देखना है तीन गुणों की रचना है माया की सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों हर जीव के अंतःकरण में है और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि के दो विभाग हैं एक कुमति एक सुमति जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है कुमति विभाग के लिए नरक रोग दंड सुमति विभाग के लिए स्वर्ग पुरस्कार यश कीर्ति सुख ये दोनों रखे गए किसान को खेती दे दी गई बीज दे दिया गया हर प्रकार का अब पसंद क्या है जो बोएगा वही उसे मिलेगा अगर वो बंबुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा कांटा ही उसको मिलेंगे ये स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें मनुष्य योनि में अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं वो भोग योनिया है आप क्या पाप करते हो या पुण्य ये आपके ऊपर भगवान के लिए नहीं है जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का पर दंड तो मिलता है ना तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं अवश्य में वो कृतम कर्म शुभाशुभम दो प्रकार के कर्म होते हैं एक शुभ कर्म एक अशुभ अशुभ माने पाप कर्म शुभ माने पुण्य कर्म तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे साफ कह रहे स्वयं भगवान कह रहे अवश्य मेव भोगतव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो जो पाप पुण्य दोनों से अलग है त्रिगुणातीत है भगवान का भजन तो भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े चाहे धर्म पूर्वक भोगना पड़े भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए अच्छा धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं बाधा है तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते फिर दुर्गति को भोगता है भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो जाए तो ये बात आ जाएगी ना जाए न चाहे कबो कुछ तुम सन सहज सने हमारी कोई इच्छा ही नहीं तो अब जो आपसे होगा वो जगत मंगल के लिए होगा कभी पाप नहीं हो सकता पाप होता है इच्छा से आप देखो तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि नहीं ये खाऊं ये देखूं ये भोगूं वो भगवान थोड़ी दे रहे हैं वो तो तुम्हारी इच्छा है अपनी इच्छा को मार दो पाप हो ही नहीं सकता देख लो अपनी इच्छा को मार दो कभी पाप नहीं हो सकता जब पाप होता है तो अपनी इच्छा से होता है प्रकाश में रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो अंधकार में होता है ये जो पाप के कर्म होते हैं इच्छा से होता है अब देखो सरकार सबकी सब व्यवस्था सब कर रही लेकिन कानून विभाग बनाए ना ऐसा करोगे तो तुम्हें डंडा पड़ेगा ऐसा करोगे तो इतने दिनों के लिए जेल जाओगे अगर ऐसा कर दोगे तो फांसी भी हो जाएगी तुम्हें मार भी दिया जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर रही और वही तुम्हें मारने के लिए व्यवस्था भी की है ऐसा करोगे करने के लिए तुम स्वतंत्र हो ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर सजा रहेगी ऐसा करोगे अगर यहां की सरकार ना दे पाई मान लो नहीं खुला तो हमारी अव्यक्त सरकार भगवान तो देते हैं दंड पक्का दंड देते हैं वहाँ कोई ममता नहीं है कोई ममता नहीं है गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद एकदम खिड़की बंद बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं आग लगी पूरा बुन गए ये है हमारे भागवतिक शासन दे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं एकदम पिस गए किसी काम के नहीं रह गए मर गए वहीं ऐसे कितनी लाखों घटनाएं लाखों प्रकार से हैं ये भागवतिक दंड है तो स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो अच्छा या बुरा आपके ऊपर है अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा बुरा करोगे तो बुरा इसमें यह नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है नहीं भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई बीज दे दिया गया और बोने के कर... अब बो वो क्या बोते हो तुम जो बोगे वो तो तुम्हें काटना पड़ेगा वही फसल काटनी पड़ेगी समझ पा रहे हो आप हाँ अमन जी वृंदावंश राधा बोलो श्री हरिवंश राधा बोलो हरिवंश महाराज जी महाराज जी क्या विरह झूठा भी होता है एक नए साधक और महापुरुष के विरह में क्या अंतर है मैं इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकता हूं ऐसे में नहीं जब विरह आएगा तो उसमें क्वालिटी नहीं होती विरह तो तड़पन है प्रभु के लिए जब रोना आता है तो उसमें झूठा नहीं होता विरह वास्तविक आ जाए विरह तब माना जाएगा कि भगवत विरह आया है जब विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात ये अच्छा ना लगे बातें अच्छे लगे भोग अच्छे लगे संसार के मित्र अच्छे लग रहे तो भगवान के लिए तड़पना कहाँ आएगा नारायण हरिभजन में ये पांचों सुहात शर्त है ये अच्छे नहीं लगने चाहिए विषय भोग कोई भी लोक लोकांतर के नींद भर बेब सोना ऐसे, ऐसे। उसको नींद कहा भोजन अच्छा करें दोस्त मित्र व्यवहार बातचीत उसके अंदर हाय मस्ती मेरे प्रभु कब मिलेंगे अब वह विरह जब जागृत होगा तो सच्चा होगा वो कोई था क्या भी झूठा हो रहा है फिर या जो दस्यु वर्ष से तड़प रहे हैं उनका विरह कुछ और है जिसे आज प्रकट हुआ है तो को ऐसा नहीं दस वर्ष से आग लगी है तो वही तेज है और अभी आग लगी है तो तेज तो दाहिका शक्ति में वही है ना तो विराग्नि तो विराग्नि है हाँ नहीं उसे नहीं खान पान ते भाव है नहीं कोमल वसं सुभाव है सब विषय लगे तेखारा है हरि आसिक का मग्न आ रहा है भगवान के विरह में विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन मांगत दर्श मधु करी छके रहते दिन रैन रात दिन विरह में तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कब भर नेत्री लाल देखू और रोना सिसकना तड़पना आहों की जागेज यही उनके पास रह जाता है हर समय प्रभु के चिंतन में डूबे हुए छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हसंत ये जो कृपा हरिवंत कभी ठहाका मारकर हंस रहे प्रभु की लीला कभी रुदन कर रहे हैं कभी नृत्य कर रहे हैं कभी शांत तो, समाधि तो बैठे ये सब उसी विरय की स्थितियां है पर साधक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्तमान में चिंतन कितना प्रभु का हो रहा है हमारा चिंतन कहाँ कहाँ जा रहा है किस व्यक्ति में किस वस्तु में किस स्थान में उससे हटा हटा कर अपने भगवत चिंतन में लगाना पहले चिंतन पर लगे चिंतन करते करते तब फिर जब अनर्थों का नाश हो जाता है सारे संबंध भगवान में समर्पित हो जाते हैं फिर भगवान के मिलन की प्यास जगती है उसे विराग जी कहते हैं फिर वो तड़पता है भगवान के लिए उसी तड़पन में भगवत साक्षात्कार होता है जब गोपीजन एक साथ मिलकर रोई रुदुष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए भगवान यही है हम सब में है व्याकुलता हो जाए चाह हो जाए भगवान के मिलन की अब जैसे कोई कहता है हमें तो बहुत चाह है भगवान से मिलन की तुम्हें भोजन अच्छा लगता है तुम्हें नींद अच्छी लगती है तुम्हें शरीर संसार ये सब अच्छा लग रहा है चाह कैसी चाह में तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं निकलने के लिए उसे चाह कहते हैं थोड़ा व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं होगा और भगवान का भजन घंटों छूट जाए तो हमें बर्दाश्त हो जाएगा इन पर व्यालते थे भगवान का जहां विस्मरण हो व्याकुलता पैदा हो जाए अंदर देखो जरा सा विस्मरण का भास हुआ सूरदास जी को तो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी है मालिक प्रभु का विस्मरण कर दिया मौसम कौन कुटिल खनकाव मेरे सामान कौन कुटिल हम कभी धिक्कार देते हैं अपने को कि एक घंटा निकल गया भगवान का भजन नहीं किया कहाँ धिक्कार बिरह कैसे आवे अभी तो बहुत कुछ प्यारा लग रहा है जगत में अभी बहुत कुछ प्यारा लगता है जब मीरा जी की बात जो हमारे हृदय में आ जाएगी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई तब रोना आएगा तब तड़पना आएगा तब बेचैनी बढ़ जाएगी भूख प्यास निद्रा हंसी ये सब एकमात्र भगवान क्योंकि हम भगवान के हाँ हैं देखो हमें कहीं तृप्ति नहीं हो रही कभी तृप्ति नहीं होगी बिना भगवान के ये बात तो पक्की समझ लो अभी तक मतलब आप तो अभी नई अवस्था क्यों जो गृहस्थी में क्या तृप्ति हो गई हमें बता दो वही तृष्णा वही भोग वासना वही चाहत कोई और नई बात नहीं भोगे हुए को बार बार भोग रहे हैं शायद सुख मिल जाए लेकिन परमात्मा के अंश को प्रकृति के भोग से कभी सुख नहीं मिलेगा उसे सुख मिलेगा तो परमात्मा में ही अब लौटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभ्यास बन गया है भोगों का ये खाना ये पीना ये देखना ये सुनना ये सब अब संसार की तरफ हमारी जब पीठ हो और भगवान की तरफ मुख हो तब तो हमारा भजन बने सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म जन्मकूट यज्ञ नाश होता है करुणों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए पर अभी उल्टा है पीठ भगवान की तरफ और मुख संसार की तरफ है माना भजन करते हो लेकिन साधन भगवान बना लिए और साध्य भोग बना लिए भगवान ये विषय दे दो ये अनुकूलता दे दो ये सम्मान दे दो तो भगवान के लिए रोना कहाँ आएगा भगवान के लिए रोना तो उसको आता है जो भगवान सिवा और कुछ नहीं चाहता है कुछ नहीं चाहे जा ही चाही चाह कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासूर। निजगे। भगवान के लिए रोना आ गया तो फिर अपने लिए तो सब रो रहे भगवान से अपने लिए रो रहे हैं लेकिन भगवान के लिए जो रोते उसे विरह कहते हैं उसे विरह कब मिलोगे प्यारे कब कैसे पाऊं तुम्हें कहाँ जाऊं इतना जीवन व्यतीत हो गया रोज की रोज रात्रि व्यतीत हो गई न स्वप्न में मिले न जागृत मिले हाय कहाँ जाऊं किससे कहूं कौन मुझे भगवान से तो वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है अब भगवान से इतना अपनापन तो हो जाए ना भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं क्योंकि उसने देखा नहीं भगवान को केवल सुनकर भगवान से प्यार किया और भगवान के लिए रोने लगा तो भगवान ऋणी हो जाते हैं और उसको अनुभव में आने लगते हैं हर समय भगवान में चित्त जुड़ा देखो बच्चा ये शरीर तो नाशवान है आज नहीं तो कल मरेगा पक्का इसकी दुर्दशा होनी प्रतिष्ठण नष्ट हो रहा है हम जान नहीं पा रहे है। इसकी दुर्दशा होनी इसकी दुर्दशा होने के पहले भगवान में चित्त लग जाए तो आनंद है तो चित्त अगर भगवान में लग गया तो फिर कोई दुख परास्त नहीं कर सकता और भगवान में अगर चित्त नहीं लगा तो दुख ही दुख इस संसार में है तो चित्त अगर भगवान में है तो हर लड़ाई लड़ने के लिए मन तैयार है हर कष्ट हंसकर भोगने के लिए तैयार भगवान में चित्त नहीं तो फिर भगवान से अपनापन होना बच्चा बहुत दुर्लभ बात है भगवान से माया मांगना माया के भोगों में रत रहना ऐसे भगत हैं। लेकिन भगवान से माया ना चाहकर, केवल भगवान से प्यार ऐसे तो बिरले कोई भगत होंगे कोई बिरले उनकी पहचान है कि भीषण से भीषण कष्ट में उनको भगवान किसी और कुछ नहीं दिखाई देता महामहिम श्री गुरु अर्जन देव जी को जो विधर्मी लोग थे उन्होंने बंदी बना लिया और तपते हुए तवे में आख से लाल लोहा उसमें बैठा दिया और ऊपर से गर्म बालू डाल रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमारी बात को स्वीकार करो वो अपने वाहे गुरु वाहे कह रहे तेरा किया मीठा लाए मतलब आप देखो जरा भला ये मीठा लगने वाली चीज है कितना कष्टप्रद है और बहुत तरह से त्रास दिया लेकिन भगवान से प्यार करते हैं तो क्या कह रहे तेरा किया मीठा लाए आपका विधान मुझे बड़ा यह है भगवान से प्यार और सामर्थ्य इतनी है कि पूछो मत सामर्थ्यवान महापुरुष है गुरुजन है भगवान उन दैवी शक्तियां उनके आद लेकिन सब कुछ सह गए यहां तक कि शरीर छोड़ दिया धर्म नहीं छोड़ा भगवान से जो प्रीति है उसे नहीं छोड़ा यह है पहचान कि वो माया नहीं भगवान चाहने वाले गुरु तेग बहादुर सिंह को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया यातना दी और कहा हमारी बात स्वीकार कर यहां तक कि तो गर्दन उतार दी लेकिन आह नहीं की अपने धर्म से नहीं मुड़े ये भगवान से प्यार कर न शरीर से प्यार न प्राणों से प्यार फिर और माया की तो बात जा कितना कठिन है आप सोचो जरा है ना कठिन कितना आज भी आप अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते हो नहीं तो शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो किस शरीर को प्यार करोगे चाहे पत्नी को चाहे पुत्र का हो चाहे किसी का भी हो आप उसे जला दोगे अनजाने में भी भगवान से प्यार अगर जानकर भगवान से प्यार करो तो निहाल हो जाओ आनंदित हो जाओ ये जीवन तो जाएगा ही ऐसा जाए कि फिर आना जाना मिट जाए भगवान को प्राप्त हो जाए तब तो, तो मनुष्य जीवन धारण करना सार्थक है नहीं तो अगर हम आए भी तो पुनः मनुष्य बने और फिर भगवान का भजन करके हम जगत मंगल करें तब तो यहाँ आना ठीक ऐसे पशु पक्षी की तरह आकर भोग भोग करके ये पशु पक्षी देखो बच्चा पैदा करना खाना पीना सोना जागना ये सब पशु पक्षी भी कर रहे नहीं कर रहे आप देखो चला चल जगत फिर कहा गया सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा बड़े भाग मानुस तो देव दुर्लभ क्यों कहा गया क्योंकि तुम भजन करके भगवान प्राप्त कर सकते हो देवता नहीं कर सकते देवता भी नहीं कर सकते वो अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं पापी लोग नरक भोग रहे हैं हम लोग पाप पुण्य मिश्रित आए हैं तो दुख सुख भोगते हुए मनुष्य में अब हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं पर हम आके भूल गए फिर उसी भोगों में लग गए हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करता है कपिल भगवान माता देवती जी को उपदेश दे रहे भागवत में पढ़ लेना हर जीव वादा करता है गर्भ में उसको गर्भ में कई जन्मों की स्मृति आती है जब माता के गर्भ में और बड़ा कष्ट अरे भैया बहुत छोटी जगह है और उसमें कुंडलाकार होता है और मल मूत्र अगल बगल होते हैं मलाशय मूत्राशय के बीच में बालक होता है और उसको पूरी चेतना जागृत तब वो प्रभु को पुकारता हे नाथ मुझे इस नरक से बाहर कर दो एक बार जाते ही मैं आपका भजन करूंगा और कभी इस गर्भ में नहीं आऊंगा ऐसा वादा करता हूं भगवान की कृपा से उसको ज्ञान और जहां गर्भ के बाहर आया भूमि परत भाढ़ाबर पानी तिम जीव माया लपटाली अब वो भूल गया अब वो कहता कहा, कहा, कहा। अब बोले लड़का हुआ थाली बजाओ या बच्ची हुई और वो जीव पूछता कहां वो मेरा ज्ञान कहां गया वो जो मैं दिव्य ज्ञान युक्त था वो कहां कहा? भूमि परत भा, पाली तिम जीव माया ए बच्चा ये देखो पापा ये देखो भैया अब फिर वो इसी में लग गया पापा भैया मम्मी फिर ब्याह हुआ फिर सर फिर बुढ़ापा आया फिर मरा फिर अन्य माताओं के गर्भ यही क्रम चल रहा है पुनरअपि जननम पुनरअि मरणम पुनरअपि जननी जठरे सैनम भजन करके भगवान के विरह में रोना ये तो बहुत ऊंची बात है पहले हम ये नियम ले कि हम भजन करें हम बुरे आचरण ना करें किसी को दुख ना पहुंचाएं, हमारे द्वारा शरीर से मन से बाणी से दूसरों को सुख पहुंचे। मनुष्य जीवन है और नाम जप करें भगवान का भजन करके जो दूसरों को सुख पहुंचाने की बात ले आया वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो दूसरों से सुख लेने की बात ले आया वो फंस जाता है जितने पाप होते हैं सुख लेने की वासना में होते हैं सुख भोगने की वासना में होते हैं जितनी गलतियां होती हैं जितने पाप हैं, वो लेने से है देने में कोई पाप नहीं दूसरों को सुख देना दूसरों को भोजन देना दूसरों को वस्त्र देना देने में कोई है? लेने में है लेने में सावधान देने में तो कोई बात नहीं हमारा जीवन देने के लिए है तन से मन से वाणी से दूसरों को हम सुख पहुंचाए हमारे शरीर से हमारी वाणी से हमारे मन से किसी को पीड़ा न पहुंचे और नाम जब करें इससे बढ़िया जीवन क्या है पर भूल हो जाती है यहां आकर के मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं अब याद है क्या कि इसी जन्म में देखो मां के गर्भ में नौ महीना रहे एक मिनट की याद नहीं है भला याद है कि हम अपने मां के गर्भ में कैसे रहे कुछ अगर याद आ जाए तो अभी घबरा जाए अरे मान लो आपको एक घड़े में बंद कर दिया जाए कैसा आपका जीवन होगा और नौ महीना रखा जाए तो एक घड़े है पेट बस वो नाभि से जो नाल होती है ना वो माता के कनेक्शन से उसका पोषण होता रहता है वहाँ क्या हालत तो जीव की होती है अब हमको फिर उसी दशा में जाना अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर शरीर छूटेगा अच्छा ये देश ऐसा यहां से कुछ ले नहीं जा सकते सबसे खतरनाक ये तो ना तुम्हारा पद जाएगा न रुपया बैंक बैलेंस और ना परिवार ना मकान और ना ये शरीर केवल कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे अच्छे या बुरे कर्म इसलिए हमें लगता है कि विवेकवान वही पुरुष है जो परलोक की कमाई भी कर ले इस लोक को तो करो ही परलोक की भी कमाई परलोक की कमाई है नाम नाम जब दूसरों को सुख पहुंचाना इससे आपका मंगल हो जाएगा किसी भूखे को भोजन पवा दो कभी किसी बूढ़े को सहयोग दे दो किसी बीमार को सहयोग दे दो कोई पशु पक्षी बीमार पड़ा उसकी दवा करा दो ऐसी भोजन जल वस्त्र औषधि इनकी बहुत अव्यवस्थाएं हैं लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अव्यवस्था है तो अपने पास अगर हो ना हो तो भी व्यवस्था करनी चाहिए चार रोटी हम खाते हैं अगर एक रोटी दे, दे देंगे तो हम मर थोड़ी जाएंगे हम एक रोटी रोज निकाल कर किसी को दें तो हमारा परमार्थ बन जाएगा हमारे पास अगर सौ रुपये आते हैं तो एक रुपया निकाल के इसे किसी जगह रख दें भाई रोज सौ आते हैं हम एक निकाल के रख दिया और दो चार महीने में जो इकट्ठा हुए किसी की सेवा में लगा दिया हो गया परमार्थ परमार्थ कुछ धन से होता है कुछ मन से होता है और कुछ शरीर से होता है तीनों से परमार्थ करें नाम जप करें तो भगवान के लिए जब हृदय पवित्र होता है तब भगवान के लिए रोना आता है तब व्यालता आती है राजकुमार पाठक जी भोपाल से देखे देखे। आत्मा परमात्मा का अंश ही क्या यही ब्रह्म है या आत्मा के साथ साथ पृथक से ही परमात्मा रहता है वो ब्रह्म है बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बता रहे हैं आपको समुद्र और समुद्र की तरंग समुद्र और समुद्र की तरंग परमात्मा तरंगायमान हुआ तो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है माया विकार होने के कारण अनेक रूपों में भास रहा है अगर जल से वायु हट जाए तो तरंग नाम नहीं रहेगा समुद्र ही रहेगा ना तो ये माया विकार हट जाए तो वो ब्रह्म ही है साक्षात पर ब्रह्म है गीता में भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय हे धनंजय मेरे सिवा इस संसार में कोई और नहीं है मैं ही मैं हूं जैसे तरंग में जल ही जल है केवल वायु विकार घुस गया तो शांत समुद्र तरंगा हो गया अगर वो वायु विकार हट जाए तो समुद्र ही तो है पहले समुद्र था और बाद में समुद्र रहेगा बीच में तरंगे दिखाई दे रही तो ये है जीवात्मा जो तरंग है माया विकार स्वीकार करने के कारण वो तरंग को कहा गया जीवात्मा और तरंग में जो वायु विकार था ऐसे इसमें माया विकार हटा तो वो ब्रह्म रह गया मैं और मोर तोर तय माया कीने जीव निकाला जीवत्व तो तभी उसको आया जब माया स्वीकार की तरंग तभी कहा गया जब वायु विकार हुआ ऐसे ही परमात्म स्वरूप में जो स्थित हो जाते हैं निर्विकार महापुरुष तो उनको जीवात्मा नहीं कहते उनको ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो गया तस्में भेदा भाव भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है वो भगवत स्वरूप हो जाता है केवल माया विकार हटाना है मैं और मोर तोड़ते माया ये हटा तो वही वो है दूसरा कोई नहीं प्रभु जैसे मानो आप है आप है आप है तो शरीर के ढांचे से अलग है पावर तो एक ही है हम कई बार सरल भाषा में समझाते हैं कि लाइट में पंखे में और एसी में कूलर में और हीटर में और गड़ासे में मोटर में क्रियाएं बहुत अलग अलग हो रही हैं लेकिन पावर एक ही बिजली का है ऐसे ही हम लोगों में कोई दुष्ट स्वभाव वाला है कोई शांत स्वभाव वाला है कोई चंचल है कोई गंभीर है कोई उत्तम है कोई अधम है लेकिन इनमें पावर पावर तो एक ही परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है आप समझ पा रहे प्रभु एक ही परमात्मा अब कह दे हम कोई परमात्मा है इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम शरीर को लेकर बात कर रहे हो तुम मन को लेकर बात कर रहे हो तुम इंद्रियों को लेकर बात थोड़ा हटो झांक के देखो शरीर को अलग अंतःकरण को अलग स्वभाव को अलग तो जो बचे वो आप तो आप कौन है आप अपने को जानते नहीं जैसे आपसे कहा जाए कि आप कौन है तो आप शरीर का नाम बताओगे जहां शरीर जन्मा वो कुल बताओगे जहां शरीर रह रहा उस प्रांत को बता दोगे लेकिन शरीर में जो आप हैं, वो कौन है अब इसका परिचय तो नहीं है आपको कितने साल के हो का शरीर उन्तालीस वर्ष उनतालीस साल से साढ़े तीन हाथ के घर में रह रहे अपने हाथ से नाप के देखो तो साढ़े तीन हाथ में और आज तक अपने को नहीं जाना है अपने को पूछोगे तो यही कहोगे कि हम अमुख है हमारा नाम ये है हम अमुख प्रांति ये तो शरीर का परिचय है फिर अंदर की बात आई तो मन मेरा मन मेरी बुद्धि मैं तो नहीं कहा ना आपने मेरा मन कहा तो ये भी तुम नहीं हो मेरा स्वभाव यह भी तुम नहीं हो तो तुम कौन हो जब उसको जान लोगे सोई जाने जे देह जनाई तो जानत हो तुम्हें, तुम्हें वही, जाए। वही है जब खोजने वाले ने खोज की तो निकला क्या वही निकला जो खोज रहा था वही निकला दूसरा और कोई नहीं मिला वही आप समझ ले ला उसी को भेद करके जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताया गया जैसे समुद्र और तरंग में और जब वायु विकार नष्ट हुआ तो अभेद समुद्र ऐसे अभेद पर ब्रह्म ब्रह्मविद ब्रह्म विद। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए वो भगवत स्वरूप ही है भगवान के सिवा कोई नहीं वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत कंचे जगत्याम जगत किंचिन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो अब हम ईश्वर से विमुख हो गए अपने से विमुख अपने स्वरूप को भूल गए अब हम अपने को स्त्री मान रहे पुरुष मान रहे अब कैसे स्वीकार होगा कि तुम प्रभु चेतन अमल शहद सुखरासी जीव है ना जीव का स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग तो आप अमल हो कब कब ध्यान करते हो कि आप निर्मल हो मलयुक्त शरीर और शरीर की मलयुक्त चेष्टाएं काम क्रोध लो मोह मद तो जो आप निर्मल हैं वो कहां आप हैं कहां आप समझ पा रहे हैं अमल माने जहां कोई भी विकार नहीं है तो वो विकार आप में नहीं है शरीर तो विकारी है तो शरीर में आप स्थित है इसीलिए आप विकारी है आप शरीर से हटो तो आप निर्विकार हो आप परमात्मा स्वरूप हो बड़ी टेढ़ी खीर है ले कहने की बात अलग है कि मैं शरीर नहीं हूं पर मच्छर काटता है तो मेरे ही काटता है ऐसा ही बोध होता है नहीं होता है मेरे को क्या और जिनको ज्ञान है वो निरपेक्ष रहते हैं। मान अपमान दुख सुख लाभ हन इससे निरपेक्ष रहते हैं। तो इसलिए परमात्मा ही है दूसरा कोई नहीं है जो जीवात्मा कहा गया है वो माया विकार को स्वीकार करने के कारण अब कैसे हटे तो बोले मानी संख्या गुरुदेव भगवान मानी संख्या श्री विग्रह भगवान अब सवाल हल होना शुरू हुआ कहीं एक जगह भगवान मानते मानते फिर पूरे चराचर जगत को भगवान मानना पड़ेगा क्योंकि वही है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान तो आप में आप में आप में आप में हो इधर तो फिर आप आप है। दूसरा कोई नहीं बचा समझ ला। तो ये स्थिति आना थोड़ा कठिन है इसीलिए लगाया जाता है कि भगवान की भक्ति करो हम अधम नीच वो महान तो जब हम उनमें चित्त जोड़े तो महान से चित्त जोड़ने पर वो महान ही हो गया अधम से चित्त जोड़ने पर अधम की अनुभूति हो रही अब भी जबकि हमारा बिल्कुल शरीर से संबंध नहीं पर हम शरीर में मैं मानकर स्थित है बहुत बड़ा ज्ञान इसीलिए भजन के बिना नहीं बिना भजन के शरीर राग रागद्रस्त नहीं हो सकता बातें चाहे जितनी बना ली जाए बिना भजन के भजन बहुत जरूरी है खूब नाम जप करो जो नाम प्रिय हो आपको भगवान का भजन देखो ब्रह्म ज्ञानी है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार लेकिन हर समय हरिशरणम हरि हरिशरणम जपते रहते ना इसलिए हमको भी जपते रहना चाहिए भगवान का नाम जपते ये भव समुद्र सूख जाएगा पार नहीं होना सूखा ही जाएगा सुजन नाम, लेत भवसिंधु सुखाही, नाम जबते जबते संसार समुद्र सूख गया हे सुजन विचार करो नाम में कितनी अपार सामर्थ है खूब नाम जप करो भगवान का हमारे हर प्रश्न का उत्तर अंतिम यही होता है नाम जब करो बिना नाम जप के कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा जब काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर की मार पड़ेगी तो ज्ञान तुम्हारा भूल जाएगा अगर भजन है तो जीत जाओगे भजन नहीं है तो फिर बुद्धि का काम ज्ञान बघारना है दिल का काम प्रेम करना है अगर बुद्धि चलती रही और हृदय से भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो काम नहीं बदलने वाला तो हृदय का प्रेम भगवान पर जाए सबकी ममता ताग बटूरी मम पद बांधी बर डोरी तो नाम जब करो भगवान का खूब नाम जप करो इसी से मंगल हो जाएगा नीलेष पुरोहित जी मध्य प्रदेश से मार जी इनका प्रश्न है कि हम गुरु आज्ञा पर चलने की कोशिश करते हैं श्री जी से प्रार्थना भी करते हैं बट उनकी आज्ञा पर चल नहीं पाते ये मन चलने नहीं देता कैसे गुरु आज्ञा हाँ मन कैसे चलने देगा मन तो नहीं चलने देगा मन तो भोगों की तरफ ले जाएगा पर धीरे धीरे उसको जैसे बिगड़ेल घोड़े को घोड़सवार धीरे 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 काबू में करता है ऐसे मन बिगड़ेल घोड़ा है ये जहाँ जहाँ जाए उससे हटा हटा करके प्रभु के चरणों में लगाओ या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ प्रभु को देखने की कोशिश करो और इस मन की बात को दोनों प्रकार से हमें समझना पड़ेगा जब ये हट करके सतमार्ग की अच्छी बात कहे तो मान लो अब जैसे मन कह रहा कि हमको रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला पाना कोई पाप नहीं है पैसा अगर जेब में हो तो रसगुल्ला ले और भगवान को अर्पित करो और उसको पवा दो दे। देखो जा किसी को वश में करने के लिए दो बातें कर चाहिए एक तो प्यार और दूसरा शासन केवल शासन ही करोगे तो भी नहीं बात बनेगी और केवल प्यार करोगे तो भी बात नहीं बनेगी किसी को अधीन करना है तो उसको दो बातों से किया जा सकता है प्यार और शासन जब मन अनुकूल कहे तो अपने लिए देखना है कि अगर अनुकूल कह रहा तो उसकी बात माननी पड़े अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम तुम्हारी पूरी कर देते पर भाई तुमको ग्यारह माला सोलह माला नाम जप करना होगा गरम गरम समोसा खवाएंगे सोलह माला जपना वो कहेगा कि नहीं पहले सोला जपो यार फिर हाथ को तो इसको प्यार से हम बस में करते हैं अब ये कहता है गलत मार्ग की बात तब फिर उसके ऊपर शासन हो जाता है चाहे मर जाऊं ये नहीं भूल न दे कुमार हम तुम्हें स्वीकृति नहीं दे सकते तो फिर मन पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकता है तो अच्छी बात मन कहे तो उसकी बात मान लो देखो तुमको यहां लाया मन ही है अगर मन मना कर दे तो तुम नहीं आ सकते हो मन बना ना बोले आज मन बना के दर्शन कर लिया जाए नहीं बोला मन ही तो बना मन ही बना तो देखो कितना अच्छा है तुमको यहां ले आया अब ये यही मन बनेगा पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि देखने में यही बनेगा गलत आचरण तो वहां पे हमें रोकना है मन की दो वृत्तियां हैं एक सत और एक असत असतगामी मन को रोकना है और सतगामी मन को सपोर्ट करना है सतगामी मन को इतना बलवान बना दो कि असतगामी मन जो है उसके अधीन हो जाए बढ़िया बात बन जाएगी घबराने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत है बहुत लंबा युद्ध है एक दो दिल का नहीं पूरे जिंदगी भर का युद्ध है तो हमें थोड़ा संभल संभल के इससे चलना है इससे बैर भी नहीं करना क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा और इससे इतना अधीन नहीं हो जाना नहीं तो जेल पहुंचा देगा हाँ ये भी बात है इसके अधीन हो गए तो ऐसे आचरण बन जाएंगे कि जेल जाना पड़ेगा तो इससे बहुत सावधान रह करके मित्रता करनी मन से और बात इसी से बनेगी मन भगवान में लग गया तो जीवन मुक्त हो गए संसार में लग गया तो विषयासक्त हो गए खूब नाम जप करो भगवान की अधीनता से ही मन को अधीन किया जा सकता है खूब स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो और नाम जप जरूर करते रहिए क्योंकि मन परिवार से दूरी बना के रह रहा है शरीर और राष्ट्र सेवक तो कई तरह की ऐसी मानसिक परिस्थितियां हैं जो ना बताई जा सकती हैं और ना सुलझाई जा सकती हैं मांग है ना मन की उस समय उसको शासन में करने के लिए भागवतिक आध्यात्मिक विवेक की जरूरत होती है तो नाम जब करते रहिएगा और उत्साहित जरूर रहेगा हमारा शास्त्र कहता है संतुष्टा एन के जैसे भी बने मन को प्रसन्न रखो ये सबसे बड़ी साधना है अगर आपका दिमाग स्वस्थ है ना तो आप पूर्ण स्वस्थ हो और मन प्रसन्न नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाता है तो ये जो समस्याएं हमारे दिमाग की इनको हम कहां से किनको पे, किनको बताएं अपनी और जिनको बताते हो समझना नहीं चाहते तो भगवान एक भगवान है जो आपको जानते हैं अंदर से नाम जब करते हुए आप अपनी सेवा में मगन रहिए नाम जरूर जपिए जिससे लोक परलोक सब आनंद की प्राप्ति हो जो नाम प्रिय लगे राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे जब याद आवे तब दस पांच बार नाम जप कर लीजिए बार बार नाम जप कर आप देखिए ना इसमें कितना आनंद रहता है आनंद के तो मार्ग में हो ही क्योंकि राष्ट्र सेवा में हो जो राष्ट्र सैनिक राष्ट्र के लिए प्राण त्यागता है महाभारत में वो सीधे स्वर्ग जाता है और जो नाम जप करते हुए प्राण त्यागता है वो भगवान के धाम को जाता है किसी भी तरह घाटा तो है नहीं कह रहे कि अर्जुन उठ युद्ध कर मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज मिलेगा हार नहीं तो है ही नहीं आप तो बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू हैं पर यदि नाम जप करते रहे तो स्वर्ग और भूलोक से भी महान भगवान का जो दिव्य धाम है वहां प्रवेश हो जाएगा इसलिए हम चाहते नाम जब सब करते रहिए और समस्याओं से लड़ने के लिए सत्संग जरूरी है अध्यात्म जरूरी है क्योंकि मानसिक समस्या को गोली से नहीं उड़ाया जा सकता उसको विचार के द्वारा नष्ट और पवित्र विचार शास्त्र स्वाध्याय और संग से मिलता है अच्छा शास्त्रों का स्वाध्याय करने का समय नहीं आपके पास तो शास्त्रों को स्वाध्याय करके जो गुड़ गुड़ बात निकाली वो सत्संग में होती है अगर आप 10 मिनट सत्संग रोज सुन लेंगे तो आपके विचार पावन होने लगेंगे आप अपने को समस्याओं से बचा सकते हैं धन्यवाद सबके धन्यवाद राधे राधे महाराज जी महाराज जी ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है क्यों वो भी तो स्त्री है आप देखना जरा अपने पूज्य जन जो घर में है बेटी है बहन है मां है कभी नहीं जा सकता अगर हम दूसरी तोहफी हमारे अंदर अच्छा अब ये कह दे कि हमारी चाह नहीं है और मेरा मन चला जाता है तो एक बात यहां समझनी है कि चले जाना कोई अपराध नहीं है आज तक इसका दंड कहीं विधान लिखा हो शास्त्र में या कानून में तो हमें बताना कि तुम्हारा मन चला गया तो तुम्हें फांसी की सजा होगी ऐसा कहीं पे दंड विधान नहीं क्रिया ना होने पावे क्रिया में है कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो और नहीं पापा अगर हमारा मन किसी माता बहन में चला जाता है गंदी भावना करता है तो हम उसे वापस लाते हैं और डांट लगाते हैं जैसे अपनी बहन तैसे तो दूसरे की बहन आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचारित हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा तो हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचारित कैसे मन हमारा जा सकता है लेकिन हम उसके प्रति कड़ा व्यवहार मन क्यों कैसे चला गया पर हम उसको सपोर्ट दे देते हैं हम कहते जरूर ऊपर से कि हम चाहते नहीं पर हम चाहते हैं कि जो मन संकल्प विकल्प कर रहा है भोगने को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है अंदर से सुख बुद्धि होने के कारण बाहर से ना चाहने की वृत्ति होने पर भी हमारे द्वारा पाप कर्म बन जाते हैं क्योंकि अंदर से हम चाह किए हुए हैं अंदर से सुख बुद्धि है जिस दिन अंदर से सुख बुद्धि खत्म हो गई तो जैसे अपनी बहन को देखने पर विकार नहीं आता ऐसे दूसरे की बहन को देखने पर विकार नहीं आएगा उसमें भोग में सुख बुद्धि है इसलिए हमारा मन चला जाता है ना उसमें भगवत बुद्धि है और ना अपनापन है इसलिए हमारे अंदर दोष बुद्धि हो जाती है और हम चाहते हैं ये जरूर हम कह रहे हैं कि नहीं चाहते वो नहीं चाहते बाहरी बात है चाहते हैं अंदर की बात तभी मन जाता है नहीं तो नहीं जाएगा जैसे हमने अंदर से कभी नहीं चाह मांस को तो कभी मन नहीं गया कभी नहीं चाह मदिरा को तो कभी ले गया जहां हम सुख बुद्धि करते हैं जहाँ लगता है हम सुख भोग लेंगे वहां हमारा मन चला जाएगा और हम कहेंगे जरूर कि वैसे हम चाहते नहीं थे पर वास्तविक बात है कि हम चाहते थे इसीलिए मन गया नहीं हम जिस बात को नहीं चाहते वहाँ मन नहीं जाएगा पक्का है हम नहीं चाहते तो मन नहीं जाएगा तो मन को जहाँ गलत जगह जाए तो डांटना चाहिए धिकारना चाहिए वापस लाना चाहिए ऐसी गलती कभी ना करे नहीं तो उससे लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बहुत सावधानी से मनुष्य जीवन काटा जाए आगे चलकर ब्याह हो जाए अपने घर गृहस्थी में जैसे जिया जाता है जियो पाप कर्म मत करो भगवान ने तो व्यवस्था बनाई ना मान लो बीस बाईस की अवस्था हुई इतने समय तक ब्रह्मचर्य रहो फिर ब्याह करके अपना लड़का बच्चा घर गृहस्थी परिवार और नामजप तो वो भी पूजा हो गया भगवान की सृष्टि की पूजा हो गई अब वे विचार करो इधर उधर माता बहनों की तरफ तो फिर जेल जाओगे और अगर खुला नहीं तो भागवतिक दंड मिलेगा फिर परेशान हो जाओगे पाप का दंड भोगना ही पड़ता कोई भी हो इसलिए हमको चाहिए जप करते हुए जहां मन गलत जाए वहां उसे डांट लगाओ और गलत को गलत समझो गलत को कभी भी सही स्वीकृति मत दो तो पाप कर्म नहीं बनेगा मन तो चला जाएगा पर पाप कर्म नहीं बनेगा कर्म बन गया तो भोगना पड़ेगा कलयुग में पाप का मन का चिंतन हो जाने से दंड नहीं मिलता नहीं होता और अगर पाप कर्म बन गया तो फिर भोगना पड़ता है जी आगा। आगा। बहुत कृपा बहुत कृपा आओ पारे। आओ पारे। आओ पारे। बहुत, बहुत कृपा के आप जो प्रभु मोही अनुग्रह की ना तो तुम आई दरस हट दिन आप संत जन कृपा करके दर्शन दे ये हमारे अहोभाग्य शोभाग अहोभाग आपकी कृपा हमसे दर्शन कर <laughs> उदारता हमारे जैसे प्रभु में है ना ऐसे प्रभु के दासों में उदारता है वो आ करके देते हैं आप आ, आ कर के। देखो हनुमान जी महाराज जाकर विभीषण जी को दर्शन देते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव उसी समय विभीषण जी को होता है अब मोह भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता आज मेरे ऊपर हरि की विशुद्ध कृपा है क्योंकि संतों का दर्शन हुआ जैसे विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी के दर्शन से सत्य मानो वही दिन सार्थक है वही समय सार्थक है वही जीवन सार्थक है जिसमें संत समागम हो जाए भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन उनसे संभाषण उनकी कुछ सेवा बन जाए तो जीवन तन मन प्राण सब सार्थक हो जाए ये तो बड़ी कृपा श्री प्रियाजू की है कि प्रियालाल के नाते से संत जनाते और कृपा करते दर्शन देते हैं भजन में रस प्राप्त करने के लिए क्या किया भजन में रस प्राप्त करने में जो बाधा है वो कामना है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे सकल कामना हीन जे, राम भगती रस लीन भगवान के भजन की वृत्ति तब जागृत होती है जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके भोगने के लिए मन पांच ज्ञानेन्द्रियों को लेकर विषयों की तरफ जाता है उसका लौट करके रघुनाथ जी की तरफ आ जाए हम भगवान की रूप माधुरी भगवान की लीला माधुरी भगवान की गुण माधुरी का खूब गायन करें खूब श्रवण करें और निरंतर नाम जप करें और इंद्रियों को बिना भगवान को समर्पित किए पानी भी न पीने दें तो रस वृत्ति जागृत हो जाएगी अमनिया पानी भी न जाने पावे हर विषय भगवान को समर्पित करके उच्छिष्ट भोगे तो हमारी इंद्रियां जो मना खष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती हमारे और प्रभु के बीच में जो बाधा बन गई है ये विषयानंद विषय वृत्ति दुर्वासना कहीं न कहीं जगत के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भोग में थोड़ी भी अगर आशा है थोड़ी भी आस्था है थोड़ी भी प्रियता है तो राम रस में बाधा पड़ जाएगी भजन रस में बाधा पड़ जाएगी और जब हमारा चित्त किसी भी भोग और ईश्वर में आसक्त नहीं होता तो सीधे हमारा भगवान से कनेक्शन होता है भगवान से जो कनेक्शन है उसमें जो बाधा है ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो जो भोगों में सुख है ऐश्वर्य में सुख है भोग संग्रह और ऐश्वर्य पाने की मान प्रतिष्ठा पाने की वृत्ति है ये भगवान में भजन में रस में बाधा पहुंचा देती है इसका त्याग हो जाए तो स्वाभाविक भगवदानंद है हमारे अंदर आनंद सिंधु मध्य तव बासा आसपास आनंद सिंधु मध्य तो वासा ये चाह अन्य चाह ही हमें रघुनाथ जी के रस से दूर किए हुए हैं कोई ना कोई है दुश्मन उसको ताड़ ले और जिसे जा ही ना चाही कब हूं कछू तो तुम सन सहज सने तो बसो निरंतर तास और सुर और निज के जब रघुनाथ जी यहीं बस रहे तो आनंद की कौन कमी रहेगी तो भजन करते हुए जो भजन में रस नहीं आ रहा तो समझ लेना चाहिए कि कहीं कोई न कोई है जो रघुनाथ जी के समान या रघुनाथ जी से बढ़कर है हमारी बुद्धि में जैसे हमको बढ़िया भोजन मिले प्रणाम नमस्कार मिले रुपया मिले हम पांच मिनट के लिए प्रभु को भूल गए तो वो जे बड़ा हो गया ना तभी तो प्रभु को भूल गए नहीं त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो प्रभु को आधे पल के लिए ना भूले वो भगवान का भक्त भग तो वो महाभागवत है तो अपने लोगों को अंदर ये ढूंढना है कि प्रभु से बढ़कर कौन है जो छलिया हमारे को प्रभु से बिलक कर रहा है वो कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ है क्या और जिस दिन निकलेगा नहीं उस दिन प्रश्न ही नहीं होगा मन रस में डूब जाएगा जितना नाम जब करेंगे वो बड़ा स्वादिष्ट लगने लगेगा एक नशा चढ़ता है नाम का और नाम में ही रूप समाया है देखी रूप नाम आधीना तो जहां नाम चल रहा है और सामने रूप है तो आनंद सिंधु हुई उमगेगा हृदय में विषयानंद हट जाए बस ये खास बात है उसको शास्त्री भाषा में कहा गया पुत्रा वित्त लोकष्णा अपने भाषा में कहा गया कंचन कामिनी कीर्ति इन तीन में से कोई एक है जो हमको प्रभु से मिलने में बाधा पहुंचा रही है अगर तीनों हट गई है तब तो राम भगत रस लीन सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन नाम में डूबने में जो सुख है वो त्रिभुवन में कहीं कोई सुख नहीं है पर हमारा जो बहुत पूर्व जन्म का संस्कार बना हुआ है बार बार इंद्रिय-मन कहीं ना कहीं रसेंद्री जनेन्द्री नेत्रेंद्रीय इन इन इंद्रियों के भोगों में भागते हैं तो हमारी साधना इसी में कि वो भागे हम घसीट के लाके राम जी में लगा दें राम 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 इसी में लग तो परवानंद की प्राप्ति वैसे संत महापुरुष जन तो प्रश्न करते जगत कल्याण के लिए ये आपका विषय ले ये आप तो डूबे हुए हो ये कैसे संसार के जीव भगवान में रस ले उनमें बाधा क्या है तो बाधा भगवान के श्रीमुख की बात है श्री कृष्णचंद्र जो कह रहे हैं प्रसक्ता नाम याप रहे है ये भोग और ऐश्वर्य पे जो का चित्त अपरित हो चुका है वो भगवत रस का रसास्वादन नहीं तो इनका त्याग अनिवाद है रहे उसी में जाओगे कहा जैसे राम जी रखे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रख पर अपने को ये मानना सब संपत्ति रघुपति के आए भोक्ता रघुनाथ जी और प्रसाद भोक्ता दास जब प्रसाद भोक्ता है तो कोई कामना नहीं है प्रभु जो पावे जैसा पावे हम तो उनकी जूठन पा रहे उनकी शरण में रह रहे और निरंतर नाम जप कर रहे हैं बस आनंद ही आनंद है हमें ये लगता है एक कामनाएं ही भगवान से विमुख करने वाली है कामनाएं ही भगवान के रस में बाधा देने वाली अगर ये कामनाएं शांत तो हो जाए भगवान के कृपा प्रसाद से तो जो नाम है वो स्वादिष्ट लगने लगे भगवान का रूप नेत्रों में झलकने लगे और जब उनका रूप झलक रहा है हृदय मानस नेत्र पर और जिभ्या से नाम चल रहा है इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट ये सियाजू जो अशोक वाटिका में विराजमान स्थिति का वर्णन हनुमान जी कह रहे कैसी स्थिति नाम पाहरु दिवस निश रात दिन नाम का पहरा है और आपके रूप ध्यान रूपी कपाट बंद है लोचन निज पद जंतृत जाहि प्राण के पाठ अद्भुत रस नाम ये बस इतनी बात है नाम पाहरु दिवस से निरंतर रात दिन नाम चले और भगवान का ध्यान तो निश्चय प्रेम रस में उपासक डूब जाएगा जीवन का सार ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खूब चैलेंज करके कहते हैं कि हर साथ आज के सत्संग में इसी की चर्चा हुई तीरथ व्रत त्याग उपासना वैराग्य ज्ञान सबके गोस्वामी जी ने सबकी बात कही और कही कि इनसे भगवत प्राप्ति अब नहीं हो सकती कलिकाल है एक एक की व्याख्या उसमें चर्च और उन्होंने कहा कि कलयुग तो मेरी तरफ मत देखना क्योंकि मैं भगवान का चरणामृत पीता हूँ हर समय राम राम जपता हूँ तेरी अब्बस नहीं कि मेरे मुझे गिरा सके क्योंकि मैं हर समय नाम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है जिसके दिमाग में बात आ गई बस कि हर समय नाम चलना चाहिए निरंतर नाम चलना चाहिए वो जीत गया माया पे और नाम छूटा तो महाभागवत हनुमान जी कह रहे कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जव सुमिरन भजन न हो आप सबसे बड़ी विपत्ति साधक की वही है जो भगवान का विस्मरण कर जाए भगवान का स्मरण है तो लंका में विभीषण भी भी जी अद्भुत भक्ति की तुम सारी के संत प्रिय मोरे देह नये आन लंका में रहकर भजन लंका निश्चर निकल निवासा यहां कहा सज्ज वहा वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे देह नये आन खूब भगवान का नाम जब कर ले यही बहुत मंगलमय जीवन का सार रहस्य है सब शास्त्रों सब संतों की सम्मति नाम से बढ़कर कुछ नहीं भगवान का निरंतर नाम भगवान के आश्रित भगवान के दास अरे सीम की चाप सके को तासु बढ़ रखवार रवापति जासु भगवान जिसके रक्षक हो कह रहे करो सदा तिन कह रखवारी जिमी बालक आप तो मस्त रहला है अपने आप को सब देख रेख कर रहे हमारी कोई कामना कोई वासना कोई प्रतिष्ठा कोई मान कोई चाहत वही हमें रघुनाथ जी के प्रेम रस में डूबने से रोक सकती है अन्यथा नहीं अन्यथा तो पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी भगवत सहारे पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी बस ये बाधाओं से बचता रहे <स्तित्या> बड़े कृ तो आनंद जी आश्रम अहो तक वारणसी से महाराज जी ने दत्तात्रेय मठ से श्री जी का प्रश्न किए बड़ी विनन से इच्छा थी दर्शन की तो परिक्रमा के निकले थे भगवान चित्र आराधना के महाराज जी के दर्शन हो जाए प्रशासन अनुभव था इच्छा थी बुधवार में महाराज जी ये आया था हरी जैसे हरिसहयनी एकादशी होती है तो हरि हरिशयनी मतलब भगवान विष्णु विष्णु जी अभी सयन कर गए तो कृष्ण जन्माष्टमी में हरि जी ही जन्म ले लेते हैं तो सयन करते हुए जन्म कैसे होगा महाराज जी हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान एक होते हुए भी अनेक हैं। वही श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ अर्जुन जब जाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण प्रणाम करो ये भूमा पुरुष है तो आप कौन है जब ब्राह्मण के बच्चे अपहरण हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप समझ रहे ना वो एक अनेक वो कालाधीन नहीं है वो कालातीत है वो एक जगह एक ही समय में शयन कर रहा है तो उसी समय में वो प्रकट भी हो सकता है वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा वो ईश्वर है वो जीव वो जीव नहीं है कि वो एक समय शयन कर रहा है तो प्रकट कैसे हो सकता है आप समझ रहे ना वो कान से खा सकता है वो नेत्र से बोल सकता है वो हाथ से देख सकता है उस ईश्वर जो परमात्मा है वो हाँ, वो तो कर उसके लिए ये प्रश्न कैसे बन सकता है वो परमात्मा निराकार भी है वो साकार भी है वो सर्वत्र भी है वो एक ही है एक ही समय में बहुत जगह तो योगी जन ये चमत्कार कर देते हैं जो सिद्ध योगी होते हैं एक जगह भोजन कर रहे हैं दूसरी जगह सहन कर रहे हैं तीसरी जगह उपदेश कर रहे हैं चौथी जगह कुछ और लीला कर रहे हैं एक ही टाइम में दत्तात्रेय भगवान के। हाँ एक योगी कर फिर तो भगवान महायोगी है योगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु है उनके लिए क्या है क्यों प्रभु

God. Right.